हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंप्लीट 16th ऑफ अगस्त का द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू का न्यूज़ पेपर डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट यस्टरडेज जो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो रेड फोर्ट के ऊपर इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी है उसमें किस किस चीज़ों के ऊपर एम्फोसाइज किया गया है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी दैट वॉज यूनिवर्सल सिविल कोड। सो यूसीसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है दैट वी नीड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग पुश ताकि हम यूसीसी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाएं इंडिया के अंदर। यहाँ उन्होंने ये बोला है कि जो यूसीसी है अगर वो कल को इंप्लीमेंट हो जाता है तो इट विल बी अ सेकुलर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सिविल कोड, जबकि जो अभी का जो सिविल कोड है हमारा दैट इज कम्युनल एंड डिस्क्रिमिनेटरी, राइट। तो इस चीज़ को ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि किस तरीके से हम इसको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बना सकते हैं। नाउ देखो, जो लॉज हैं दे शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। तो जो यूसीसी के लॉज होते हैं वो सब इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं बिकॉज दे डोंट टेक इनटू अकाउंट रिलीजन, किसी के कास्ट, इन सबको वो ध्यान में नहीं रखते। रादर वो एक इक्वल बेसिस पर लॉ बनाए जाते हैं। वो रिलीजियस या फिर कम्युनल लाइन पे के ऊपर वो लॉज नहीं बनाए जाते हैं, जिसके कारण किसी भी टाइप की डिफरेंशिएशन जो है लॉज के अंदर वो वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। नाउ यूसीसी का मेन एम ये होगा कि जितने भी पर्सनल लॉज इंडिया में प्रेजेंट है, भले ही वो हिंदूज के लिए हो, मुस्लिम्स के लिए हो, राइट, क्रिश्चियंस के लिए हो, उन सबको रिप्लेस करना है एक सिंगल लॉ के साथ, सो दैट हर एक इंडियन का जितने भी सोशल बेसिस है उसमें जो कस्टम्स हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उन सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिफॉर्माइज किया जाए। मतलब एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है पूरी के पूरे इंडिया के अंदर। और ये चीज़ की जाती है चार मेन फील्ड्स के अंदर। सबसे पहला मैरिज के अंदर, सेकंड डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। ये चार मेन फील्ड्स हैं जहाँ पर ये सारे के सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। नाउ यूसीसी के अगेंस्ट में बहुत सारे अपोजिशन भी हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके कल्चर को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा बाई हिंदू कल्चर, बट द रियलिटी इज़ ऐसा नहीं है। देखो, यूसीसी को मेंटेन करने का मेन एम ये नहीं है कि किसी के कल्चर को रिप्लेस करना है, रदर टू हैव अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज। ये लॉज सिर्फ और सिर्फ चार ही जगह पर काम करेंगे, जैसा हमने डिस्कस किया, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। इन चार फील्ड में बेसिकली यूनिफॉर्मिटी की जरूरत इसलिए है बिकॉज आप अगर आप देखेंगे तो इस्लाम का जो इनहेरिटेंस लॉ है वो कुछ और कहता है, जो हिंदुज़म का जो इनहेरिटेंस लॉ है वो कुछ और कहता है। और रियलिटी ये है कि जो हिंदुज़म में भी बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है जिसको हम यूसीसी के थ्रू लेकर आ सकते हैं। सेम चीज़ क्रिश्चियनिज्म की तरफ, इस्लाम में बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, जहाँ पर जो कुछ प्रैक्टिसेस जो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हैं उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें अवॉइड करना होगा, और जो काफ़ी सेकुलर प्रैक्टिसेस हैं, जो ह्यूमन प्रैक्टिसेस हैं, उसको हमें यहाँ पर लेकर आना होगा। नाउ यूसीसी को आप कहीं ना कहीं इंडिया के ब्रॉडर डेवलपमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। नाउ ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होकर सोशल डेवलपमेंट का पार्ट होगा। अगर आप सोशल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो वहाँ पर यूसीसी विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें आर्टिकल 44 के अंदर यूसीसी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के बारे में बात की गई है। यहाँ पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनको यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर चीज़ की आदेश देता है, बेसिकली डायरेक्टिव देता है कि उनको यूसीसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखो जो सुप्रीम कोर्ट है जिसको गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे मल्टीपल केसेस में पर्सनल लॉज को रिप्लेस करना चाहिए यूसीसी के साथ, ऐसा बोला है। सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर शाह बानू का केस है, जहाँ पर ट्रिपल तलाक का इशू आपने सुना होगा, उस पर्टिकुलर इशू के साथ भी यूसीसी का जो डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। नाउ दिस इज़ नॉट अ रीसेंट डिबेट, ये कोई बहुत न्यू डिबेट नहीं है यूसीसी के ऊपर। जब हमारा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई थी 1946 के अंदर, उस पर्टिकुलर टाइम से ही जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो डिबेट्स चल रहे थे उस टाइम में भी यूसीसी वर्सेस पर्सनल लॉज के ऊपर काफ़ी सारे डिबेट्स हुए थे। और ऑल दो हमने यूसीसी को डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया था, बट यूसीसी के इंप्लीमेंटेशन का एक प्रोविजन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला हुआ है, एज वी डिस्कस इन आर्टिकल 44 के अंदर। सो इस पर्टिकुलर चीज़ को भी यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है कि यूसीसी जो है हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, रादर वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। इसके अलावा इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने यूसीसी को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रांस एंड टर्की। इन दोनों ही कंट्रीज़ ने यूसीसी को इंप्लीमेंट कर दिया है और दे आर ट्राइंग टू स्टैंडर्डाइज देयर लॉज। जिस कोई भी पर्टिकुलर सिटीजन किसी भी रिलीजन का हो उनकी कंट्री के अंदर, उन सबको सेम सेट ऑफ लॉज को फॉलो करना पड़ता है, एंड सेम रास्ते पर यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया चलने की कोशिश कर रहा है। सो उम्मीद करता हूँ जो फर्स्ट डिस्कशन है वो आपको प्रॉपरली समझ आ गया। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन, दिस इज मोर ऑफ अ न्यूज़। नाउ बिहार में देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड एज गोपालगंज। गोपालगंज में एक कुछ लोग मिले हैं जिनके पास कुछ रेडियो एक्टिव मेटल्स पाए गए हैं। नाउ पुलिस ने ऑब्वियसली उनको कैच कर लिया है एंड दे हैव बीन फाउंड विद अ मेटल कॉल्ड एज कैलिफोर्नियम। नाउ ध्यान रखना है कैलिफोर्नियम क्या होता है। कैलिफोर्नियम एक बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जिसको आप रेडियो एक्टिव मेटल्स बोल सकते हैं। नाउ कैलिफोर्नियम जो है एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मेटल होता है। इसका मतलब क्या है, ये नेचुरली हमारे नेचर के अंदर पाया नहीं जाता है, रादर इसको सिंथेटिकली बनाया जाता है, और ये हाईली रेडियो एक्टिव होता है।
पहली बार इसको 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि यूएसए के अंदर है वहाँ पर इसको बनाया गया था। इसका मेन एम ये होता है कि जितने भी आप मेटल्स की चीज़ों को अगर आपको डिटेक्ट करना है या फिर कैंसर के ट्रीटमेंट में या फिर वाटर कंटामिनेशन ऑयल कंटामिनेशन ये सब अगर आपको पता करना है तो वहाँ पर कैलिफोर्नियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। लेकिन कैलिफोर्नियम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी देखो अभी लेस देन 50 ग्राम्स के आसपास का जो कैलिफोर्नियम है वो यहाँ पर बिहार में पाया गया है एंड उसका जो टोटल वर्थ है वो ऑलमोस्ट 850 करोड़ के आसपास में। सो दिस शोज कि कितना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है और उस चीज़ के कारण वो बहुत ज़्यादा जगहों पर आपको दिखेगा नहीं, उसकी इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एप्लीकेशन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम होती है। नाउ एज वी डिस्कस्ड कैलिफोर्नियम एक सिंथेटिक है मतलब नेचुरली पाया नहीं जाता है और रेडियो एक्टिव मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 98 है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पीरियोडिक टेबल पे आइडेंटिफाइड एलिमेंट है। इसके अलावा ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर डायरेक्टली इसको प्रोड्यूस किया जाता है जैसा हमने डिस्कस किया कि 1950 में इसको पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर प्रोड्यूस किया गया था। नाउ मेटल्स को ऑयल्स को और वाटर कंटामिनेशन को देखने के अलावा ये न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी भी कर सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भी ये डिफरेंट चेन रिएक्शंस क्रिएट कर सकता है एंड एक न्यूट्रॉन सोर्स का भी काम कर सकता है। मतलब इसको इस्तेमाल करके जो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको इनिशिएट किया जा सकता है। नाउ बिकॉज इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हाई है और ये बहुत रेयरली पाया जाता है इसलिए ब्लैक मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है। राइट, यहाँ पर एक टर्म है रेडियोलॉजिकल टेररिज्म, इसको आप अपने डायरेक्टली अपने मेंस कैंसर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर रेडियोलॉजिकल टेररिज्म यहाँ पर इसी टाइप के इंसिडेंट्स को मत की बात करता है जहाँ पर रेडियो एक्टिव मेटल्स का इस्तेमाल करके कोई भी टेररिस्ट जो है वो आसपास के एरियाज में एयर कंटामिनेशन या फिर वाटर कंटामिनेशन करने की कोशिश करता है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपरली समझ आ गई है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। एज वी डिस्कस इन द फर्स्ट न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो कल रिसेंट स्पीच हुई है उसके अंदर उन्होंने मल्टीपल टेक अवेज दिए हैं। ये टेक अवेज हमने यहाँ पर कंपाइल किए हैं इन फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स को आप डायरेक्टली अपने मेंस के आंसर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वैल्यू एडिशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या वो कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले तो उन्होंने बात की है विजन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब जानते हैं कि इंडिया राइट नाउ एक डेवलपिंग नेशंस की लिस्ट में आता है, ऑल्दो हम हाईली मतलब हाई लेवल ऑफ डेवलपिंग नेशंस में पहुंच गए हैं बट स्टिल इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड नेशन। वर्ल्ड बैंक जब किसी पर्टिकुलर कंट्री को डेवलप्ड नेशन का दर्जा देती है तभी जाकर उसको डेवलप्ड नेशन माना जाता है और इंडिया का एक एम है कि 2047 से पहले उसको एक डेवलप्ड नेशन बनना है। सेकेंड, यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की जिसके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बात कर ली है। थर्ड, यूथ एंड वुमेन दोनों को एम्पावर करने की बात की गई है इन सोसाइटी एज वेल एज पॉलिटिक्स। सो यूथ को पॉलिटिक्स में यू नो और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना है। वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए आप जानते हैं ऑलरेडी नारी वंदन योजना ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है। इसके अलावा इंफ्रा डेवलपमेंट की बात की जा रही है, राइट, नॉट जस्ट इन रोड्स एंड हाईवेज बट ऑल्सो इन बिल्डिंग्स स्कूल्स हॉस्पिटल्स इन सब चीज़ों में भी इंफ्रा डेवलपमेंट की बात की गई है। इसके अलावा करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने की बात की गई है, 24/7 गवर्नेंस की बात की गई है। आप जानते हैं अभी अमृतकाल के अंदर हम चल रहे हैं सो अमृतकाल के अंदर जो गवर्नेंस है इट शुड बी 24/7। इसके अलावा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की गई है। इसके अलावा आप देखते हैं स्ट्रेंथनिंग इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग, हर फील्ड के अंदर इंडिया की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको इंप्रूव करने की बात की गई है। इसके अलावा वुमेन्स हेल्थ के ऊपर, वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर, इसके ऊपर एक यू नो स्पेशलाइज्ड केयर स्पेशलाइज्ड फोकस जो है वो करने की यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूरत है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करना है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है, इंक्लूसिविटी के ऊपर फोकस करना है, सोशल हार्मनी के ऊपर फोकस करना है एंड ये सब चीज़ें कर हम एक्चुअली एक सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं बाय 2047। ठीक, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। लेट्स टॉक अबाउट अ रीसेंट हेल्थ आउटब्रेक जहाँ पर एमपॉक्स जिसको पहले मंकी पॉक्स बोला जाता था उसका रिसेंटली WHO ने क्या किया है इस पर्टिकुलर डिजीज़ को जो एमपॉक्स का जो आउटब्रेक हुआ है उसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ये डिक्लेयर कर दिया है रिसेंटली। एग्जैक्टली क्या है और क्यों ऐसा हुआ है इसको समझते हैं। देखो ध्यान रखना, WHO नॉर्मली किसी भी डिजीज़ को PHE यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह डिक्लेयर नहीं करता है जब तक उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए। पहले समझते हैं एमपॉक्स क्या होता है उसके बाद हम समझेंगे कि रिसेंटली ऐसा क्यों किया गया है। सो एमपॉक्स सबसे पहले एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल का मतलब क्या है, ये एक वायरस से होता है। तो कौन से वायरस से होता है, इसका नाम है मंकी पॉक्स वायरस। नाउ मंकी पॉक्स वायरस ध्यान रखना है स्मॉल पॉक्स वायरस से रिलेटेड है। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स सेम नहीं है बट दे आर रिलेटेड वायरसेस। अब किसी पर्सन को अगर मंकी पॉक्स वायरस यू नो अफेक्ट करता है तो जो भी डिजीज़ उसकी बॉडी के अंदर होता है वो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो डिजीज़ अपने आप ठीक होता है। मतलब आपको अगर लेट्स से कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर ये एमपॉक्स हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, वो सेल्फ लिमिटिंग है। देखो बिकॉज उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर होता है, हेडेक, मसल एक्स, लाइक बैक पेन, ये सब जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और धीरे धीरे ओवर टाइम वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। नाउ हियर कम्स द कैच,
ये जो वायरस है एमपॉक्स वायरस जो है, यहाँ पर दो क्लेड्स हैं, क्लेड्स का मतलब होता है सब टाइप्स, सो दो सब टाइप्स है इसके अंदर, क्लेड वन क्लेड टू। तो क्लेड वन जो है वो ज़्यादातर मोर सिवियर होते हैं, नाउ ज़्यादा सिवियर होने के कारण ये डेथ भी कॉज कर सकता है और ज़्यादातर सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। और क्लेड टू जो है, जो सेकेंड सब टाइप है, वो कंपैरेटिवली लेस सिवियर है और ये वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है। सो अगर आप देखें, इफ दिस इज अफ्रीका, सो जो सेंट्रल वाला पार्ट है यहाँ पे क्लेड वन पाया जा रहा है और जो वेस्टर्न वाला पार्ट है यहाँ पर क्लेड टू पाया जा रहा है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आप करंट आउटब्रेक की बात करें तो जो अभी जो रीसेंट आउटब्रेक है, माना जा रहा है कि जुलाई 2022 में वो स्टार्ट हुआ था और ये मल्टीपल कंट्रीज में स्टार्ट हुआ था, अफ्रीका के अंदर सेंट्रल प्लस जो वेस्टर्न कंट्रीज है अफ्रीका की, दोनों में ही साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुआ था और 100,000 से ज़्यादा केसेस ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ पर 200 से ज़्यादा इसमें डेथ भी हो चुकी है। नाउ सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ कैजुअल्टीज हुई हैं दैट इज़ इन DRC, दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और यहाँ पर कैजुअल्टी ज़्यादा होने के कारण माना जा रहा है कि जो इस पर्टिकुलर डिजीज़ का जो एपिसेंटर पॉइंट है दैट इज़ एक्चुअली DRC। नाउ और जो DRC के अंदर जो रिसेंट आउटब्रेक हुआ है, इट हैज़ बीन यू नो ड्रिवन बाई क्लेड टू। नाउ क्लेड टू कंपैरेटिवली लेस सिवियर है एंड दैट इज़ वाई नंबर ऑफ डेथ जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ डिजीज जो फैल गई है। 100,000 केसेस होने के बावजूद वी हैव बीन एबल और हम सक्सेसफुल रहे हैं, हमारी जो हॉस्पिटल, हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो सक्सेसफुल रही है कि जो डेथ है उसको लिमिट किया है उन्होंने सिर्फ 200 तक, वरना ये सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स हो सकती थी, राइट? अब देखो एक चीज़ समझो, क्लेड वन क्लेड टू, क्लेड वन ऑल्दो ज़्यादा सिवियर होता है बट वो ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत ही कम फैलता है, बट जो क्लेड टू कंपैरेटिवली लेस सिवियर होता है बट वो ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत फास्ट फैलता है एंड दैट इज़ वाई क्लेड टू यहाँ पर DRC के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। नाउ DRC के अलावा जो आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है DRC की, जैसे कि बुरुंडी, कीन्या, रवांडा, युगांडा, यानी कि वन सेकेंड जितनी भी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, इन सारी कंट्रीज़ के अंदर फिर से एक बार जो एमपॉक्स है यानी कि मंकी पॉक्स है वो फिर से एक बार इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा कुछ नॉन एंडेमिक रीजंस भी है, मतलब जहाँ पर नॉर्मली ये डिजीज़ नहीं होता है, जैसे कि यूरोपियन नेशंस, US हो गया, यहाँ पर भी ये पर्टिकुलर डिजीज़ काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑल्दो इंडिया अभी तक सेफ है बट इंडिया के पास भी हिस्ट्री है एमपॉक्स वायरसेस की, मतलब इंडिया में भी बहुत सारे केसेस एमपॉक्स को देखे गए हैं। और अभी जो रीसेंट प्रॉब्लम चल रहा है उसका एक सबसे बड़ा जो इशू इंडिया को हो सकता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि वेस्टर्न अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में एंड सेंट्रल अफ्रीका में काम करते हैं और वो इंडिया आते जाते रहते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट, जैसा मैंने आपको बताया, क्लॉट टू जो है एमपॉक्स का वो काफ़ी तेज़ी से ह्यूमन टू ह्यूमन में फैलता है। सो अगर यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज नहीं किया गया तो हो सकता है कि इंडिया के अंदर भी ये पर्टिकुलर डिजीज़ एंटर कर जाए, और अगर ये एंटर करेगा तो वंस अगेन ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन फास्ट होने के कारण ये बहुत तेज़ी से इंडिया के डेंस जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें संभालने की ज़रूरत है। क्या इसका कोई वैक्सीन प्रेजेंट है? द आंसर इज येस, इसके दो वैक्सीन प्रेजेंट हैं और WHO ने उन दोनों को ही बेसिकली रिकमेंड किया है यूसेज के लिए, बट राइट नाउ बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर है इसीलिए WHO ने ऐसा प्रायोरिटाइज कर दिया है कि राइट नाउ जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं जिनको नॉर्मली ये वैक्सीन नहीं मिल पाती हैं, ये वैक्सीन अभी सिर्फ और सिर्फ उनको ही दी जाएगी, किसी और को नहीं दी जाएगी। ऑब्वियसली अगर कहीं और पे आउटब्रेक्स होते हैं तो वैक्सीन डेफिनेटली सप्लाई की जाएंगी, बट जो मेजॉरिटी वैक्सीन हैं उनको प्रायोरिटाइज किया गया है इन अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, ये एमपॉक्स की डिस्कवरी कब हुई थी? एमपॉक्स जो है वो डिस्कवर हुआ था 1958 में और पहली बार इसको मंकीज में देखा गया था, ऐसे मंकीज जिनके ऊपर कुछ रिसर्च हो रहे थे एंड दैट इज़ वाई इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। बट धीरे धीरे ये मालूम चला कि इसका जो ओरिजिनेशन है वो मंकी से नहीं हुआ है एंड दैट इज़ वाई उसका नाम मंकी पॉक्स से हटाकर सिंपल एमपॉक्स कर दिया गया। जो पहला ह्यूमन केस था वो DRC के अंदर ही 1970s के अंदर पाया गया था। इसके अलावा ऑल्दो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में ही ज़्यादातर ये पाए जाते हैं बट इसके अलावा जैसा हमने ऊपर बात की US यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये जो पर्टिकुलर वायरस के डिजीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। नो, अगर हम पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की बात करें तो WHO किस पर्टिकुलर डिजीज़ को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह डिक्लेयर कर सकते हैं? तो पहली चीज़ तो कोई भी अगर आउटब्रेक इतना ज़्यादा फैल जाए कि वो पब्लिकली हेल्थ रिस्क क्रिएट करना स्टार्ट कर दे इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब जहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व हो, तब जाकर WHO किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न ये डिक्लेयर करता है। तो क्वेश्चन कम्स, अभी तक कौन कौन सा डिजीज़ को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया गया है? तो अभी तक देखो, सबसे पहले तो H1N1 इन्फ्लुएंजा जो कि 2009 में फैलना स्टार्ट हुआ था, जिसको आप स्वाइन फ्लू बोलते हो, इस पर्टिकुलर चीज़ का बेसिकली स्प्रेड जो था इसको सबसे पहले पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था 2009 में। फिर इबोला वायरस दो बार 2014 में भी और 2019 में भी दो बार इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है। फिर जीका वायरस 2016 में, याद होगा आपको, जहाँ पर इंडिया में भी केरला में बहुत सारे केसेस आने स्टार्ट हो गए थे एंड COVID-19 2020 में, ये 1, 2, 3, 4 एंड पाँचवा है एमपॉक्स जिसको रिसेंटली 2024 के अंदर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। टोटल 5 ऐसे डिजीज अभी तक हुए हैं जिनको WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है।
Now, finally, there is a term called as zoonotic spillover. Now, zoonotic spillover का मतलब होता है कि climate change, deforestation या फिर wildlife habitats में encroachment के कारण अगर कोई भी particular disease animals से humans में transfer हो जाए या फिर jump कर जाए, उसे कहते हैं zoonotic spillover हो गया. मतलब ये zoonotically transfer नहीं हुआ है, rather ये spillover हो गया है. मतलब humans की खुद की गलती के कारण ये चीज़ उन तक पहुँच गई है. राइट, सो ये इस पर्टिकुलर टर्म का आपको मतलब पता होना चाहिए. सो उम्मीद करता हूँ आज का डिस्कशन जो है वो आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा. अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं, हम उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट.